ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल दीपक के कत्ल के जुर्म में मुलजिम राजेश को गिरफ्तार किया गया है और यह कत्ल का मुकदमा अदालत के रूबरू है। योर ऑनर, कत्ल इस दुनिया का नहायत ही संगीन और घिनौना जुर्म है, खास तौर से उस वक्त जब किसी मासूम और बेगुनाह इंसान का कत्ल किया गया हो, जिसकी कि कभी किसी से कोई साथी दुश्मनी ना रही, जिसने कभी किसी का बुरा ना चाहा हो। मिलोर्ड, मकतूल दीपक एक ऐसा ही नौजवान था। इस शख्स ने अपनी हवस और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसका बेदर्दी से कत्ल कर डाला। यह हवस का शिकार इंसान नहीं, शैतान है मिलोर्ड। नहायत ही शरीफ और भोले भाले इंसान का कातिल है मिलोर्ड। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, अभी तक अदालत में यह साबित नहीं किया जा सका है कि कत्ल मेरे मुवक्किल ने किया है, इसलिए बार बार इनको कातिल कहकर पुकारना गलत है मिलोर्ड, सरासर गलत। फिलहाल इनको सिर्फ मुजिम कहा जा सकता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलोर्ड। योर ऑनर, मुजिम एक दौलतमंद शख्स है और इस पर यह इल्जाम है कि इसने दीपक को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया, उसके बाद उसे शराब पिलाई, उसके बाद अपने इरादों को पूरा करते हुए इस आदमी ने उसे बालकनी से नीचे गिरा, जिससे कि उसकी मौकाए वारदात पर मौत हो गई। मिलोर्ड, ये एक मनगढ़ंत कहानी है मिलोर्ड, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, ये कहानी है या हकीकत गवाहों के बयानात और इकट्ठे किए गए सबूतों से साबित हो जाएगा कि यह खत जानबूझकर किसी खास मकसद के तहत किया गया है। योर ऑनर, इससे पहले कि इस सिलसिले में मैं अपने गवाह पेश करूं, मैं इस कत्ल के बैकग्राउंड पर एक नजर डालना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मुलजिम एक दौलतमंद आवारा किस्म का जिद्दी इंसान है, जो कि अपने पैसों के बलबूते पर अपनी हर जिद को पूरा करना चाहता है। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मिस्टर राजेश एक सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने ना जाने कितने ही गरीबों की मदद की है। वो एक मुअज्जिज शहरी हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसी राय कायम करना नवाजिब है, सरासर नवाजिब। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यस, यू मे प्रोसीड फर्दर। थैंक्स मिलोर्ड। मिलोर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुलजिम दौलतमंद, जिद्दी और आवारा किस्म का इंसान है। योर ऑनर, ये सच है कि हर कत्ल के पीछे कोई वजह होती है और इस कत्ल के पीछे भी एक वजह है। योर ऑनर, वो वजह है मिस आरती। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलोर्ड, मेरी इल्तिजा है कि मिस आरती को गवाही के लिए कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
आपका नाम क्या है? आरती। मकतूल दीपक से आपका रिश्ता क्या था? दीपक और मैं कॉलेज के साथी थे। सिर्फ साथी थे? दोस्त थे। दोस्त या सच्चे दोस्त? किस तरह के सच्चे दोस्त? हाँ हाँ कहिए मिस आरती, किस तरह के सच्चे दोस्त? जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त। मगर मगर क्या? मगर इस दरिंदे ने, इसने हाँ हाँ क्या किया इसने? इसने हमारा साथ नहीं देने दिया जैसा आप। इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने मिस आरती, इस वक्त आप अदालत के रूबरू खड़ी हुई, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, क्या किया इसने? इसने मुझे और दीपक को हाँ क्या क्या किया आपको और दीपक को? क्या किया इसने? इस इंसान को मेरी और दीपक की दोस्ती एक आंख नहीं भाई। इसने शराफत का लबादा उड़कर मेरे घर वालों को फुसलाया जैसा, फिर इसने मुझे बहकाने की कोशिश की, और जब इसका मकसद हाथ नहीं हुआ तो इसने क्या क्या किया इसने? तो इसने हाँ कहिए मिस आरती, क्या किया इसने? क्या किया इसने? तो इसने इसने मेरे क्या किया इस मुलजिम ने, बताइए क्या किया? इसने मेरे दीपक को इसने दीपक का कत्ल कर डाला, मार डाला उसे इसने। मिलॉर्ड, मिस आरती का बयान काबिले गौर है, इसे नोट किया जाए। मिलॉर्ड आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो क्वेश्चंस। थैंक यू मिस आरती, आप जा सकती। मिलॉर्ड, मुलजिम ने मिस आरती के ऊपर डोरे डालने के लिए किस तरह से जाल बिछाया, इसको जाहिर करने के लिए मैं कुछ और गवाह पेश करना चाहूंगा, और मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर प्रताप नारायण। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? जी प्रताप नारायण। आरती आपकी क्या लगती है? बेटी। और आप करते क्या? मैं एक कॉस्मेटिक एजेंसी का मालिक हूं। कॉस्मेटिक एजेंसी? क्या ये वही एजेंसी है जो मुलजिम ने आपको दी? जी हाँ। इस कंपनी का नाम क्या है? आरती कॉस्मेटिक्स। आरती कॉस्मेटिक्स, ये नाम आपने खुद रखा या किसी की राय से? राजेश बाबू की राय से। क्या ये कंपनी इन्होंने खुद दी थी या इसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ी? जी नहीं, इन्होंने खुद ऑफर की थी। मुलजिम आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था? जी। पॉइंट मे बी नोटेड मिलॉर्ड। योर टर्न प्लीज। क्या मुलजिम ने
कभी इस तरह की कोई हरकत की जिसकी वजह से आपको ये लगा हो कि वो आपकी मदद किसी खास गरज से कर रहा है? जी नहीं। मुलजिम से आपका कोई और रिश्ता? जी हाँ, वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुलजिम और मक्तूल के दरमियान किसी किस्म की दुश्मनी या रकाबत का रिश्ता रहा है? जी नहीं। मिलॉर्ड, इन सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, और वो ये है कि मिस्टर राजेश एक नेटिव और हमदर्द इंसान है। इन्होंने प्रताप नारायण की मदद किसी साजिश के तहत नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि प्रताप नारायण उनके वालिद के पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और निहायत ही शरीफ और काबिले एतमाद इंसान है। मिस्टर राजेश को एक ऐसे ही ईमानदार इंसान की तलाश थी, इसीलिए आरती कॉस्मेटिक्स एजेंसी इनको सौंप दी गई। अब बात रही बहलाने और फुसलाने की, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिलॉर्ड, क्योंकि मिस्टर राजेश ने दुनिया की रीत के मुताबिक बकायदा प्रताप नारायण जी से उनकी बेटी आरती का रिश्ता मांगा, जिसको इन्होंने बखुशी कबूल किया। क्या ये सच है? जी हाँ, इनके वालिद ने मेरी बेटी का हाथ मांगा था। अब सवाल उठता है मिलॉर्ड कि मक्तूल दीपक और मुलजिम में कोई दुश्मनी थी या नहीं थी, जिसको मेरे मुवक्किल दोस्त अभी तक साबित ही नहीं कर पाए हैं। और जब कोई दुश्मनी ही नहीं थी तो कत्ल की वजह भी नहीं थी, और जब कोई वजह नहीं थी तो कत्ल भी नहीं था मिलॉर्ड। दरअसल हकीकत तो ये है कि ये कत्ल है ही नहीं, ये एक हादसा है, हादसा, सिर्फ हादसा। मिलॉर्ड, व्हाट इज योर जोन फॉर द डे? सूरज, कौन कब कैसे कहां बिछड़ जाए कुछ नहीं मालूम। हाँ अनीता, सचमुच अजीब सा लगता है। कितने ही साल हम लोग दीपक से नहीं मिले, मगर कोई खालीपन नहीं लगा। लेकिन आज जब दीपक इस दुनिया में ही नहीं है, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा। तुम्हें याद है अनीता, कितना छेड़ते थे हम उसको। हम जलने वाले दीपक नहीं, रोशन होने वाले दीपक हैं। दीपक तो बुझ गया, मगर आरती को अपने अंधेरे में लपेटा। ऑर्डर, ऑर्डर, अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, काफी लंबी लंबी कहानियां सुनाने और सिर्फ शक करने के अलावा मेरे फाजिल दोस्त अभी तक अदालत में कोई ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाए हैं जो कि किसी को कातिल ठहराना तो दूर, ये तक साबित कर सके कि मरने वाले का कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है। योर ऑनर, इस केस में ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही कोई ऐसा सबूत है जिसकी बुनियाद पर मरहूम दीपक की मौत को कत्ल और मेरे मुवक्किल मिस्टर राजेश को कत्ल ठहराया जा सके। योर ऑनर, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस केस को यहीं डिसमिस किया जाए। योर ऑनर, मैं मानता हूं इसमें कोई शक नहीं कि इस केस में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं, लेकिन अगर किसी ने कत्ल होते हुए नहीं देखा तो योर ऑनर इसका मतलब यह तो नहीं कि कत्ल नहीं हुआ। कत्ल हुआ है मिलाओ, कत्ल हुआ है और कातिल भी होगा। इसलिए योर ऑनर आपसे दरख्वास्त,
कि इस केस की पूरी तफसील के लिए इंस्पेक्टर सूरज को बतौर गवाह के यहां पेश किया जाए। इंस्पेक्टर सूरज अदालत में हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, मौकाए वारदात पर आपने जो कुछ भी देखा है अदालत के सामने उसे पूरी तफसील से पेश करें। योर ऑनर, मुझे इस वाकये की इत्तला पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के जरिए मिली। मैं जब मौकाए वारदात पर पहुंचा तो मैंने देखा मिस्टर राजेश के ऊपर वाले कमरे की बालकनी के ठीक नीचे दीपक की लाश थी। मिस्टर राजेश और मोहल्ले के कई लोग वहां जमा थे। मिस्टर राजेश शराब के नशे में धुत थे और काफी नर्वस थे। मैंने मिस्टर राजेश के ऊपर वाले कमरे की बालकनी से जाकर नीचे देखा तो मुझे रेलिंग पर दीपक की शर्ट का एक टुकड़ा मिला जो अदालत में जमा करा दिया गया। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि आसपास के लोग ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। वहां के बयानात से यह भी मालूम हुआ कि दो आदमियों ने कुछ देर पहले दीपक और राजेश के बंगले की तरफ जाते देखा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि दीपक के शरीर पर जो जख्म थे वह खुद गिरने से नहीं बल्कि किसी के धक्का देकर गिराए जाने से ही लग सकते हैं। वहां के बयानात और जाए हादसा के हालात से यह साफ जाहिर था कि दीपक की मौत खुद गिरने से नहीं बल्कि राजेश के कमरे की बालकनी से धक्का देकर गिराए जाने से ही हुई है। इसीलिए मिस्टर राजेश को हिरासत में ले लिया गया। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नो मिलोर्ड, थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। दीपक राजेश की बालकनी से नीचे गिरने से मरा, ऐसा ही कहा आपने? योना, इससे ये कहां साबित होता है कि उसको राजेश नहीं नीचे फेंका? हालात बता रहे हैं वहां के लोगों के बयानात कि दीपक राजेश के घर गया। दीपक का बालकनी से नीचे गिरना, राजेश का नशे में धुत होना और लाश को देखकर एकदम नर्वस हो जाना, इन सब बातों से साफ जाहिर है मिलॉर्ड कि कत्ल राजेश ने ही किया है। चलिए यूं ही सही, यही मान लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप दीपक को मरने से पहले से जानते थे या लाश मिलने के बाद से? मैं दीपक को पहले से जानता था। कब से जानते थे? दीपक मेरे कॉलेज का साथी था। कोई भी चश्मदीद गवाह ना मिलने के बावजूद भी आपको ये क्यों यकीन है कि कत्ल राजेश ने ही किया है? क्योंकि इस हादसे से चंद रोज पहले ही कई वर्षों बाद मैं अपने पुराने दोस्तों दीपक और आरती से मिला। दीपक ने मुझे बताया था कि किस तरह मिस्टर राजेश उसके और आरती के दरमियान आने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जिस तरह मिस्टर राजेश ने आरती के करीब आने की कोशिश की उसका भी मुझे इल्म था। और फिर जिस तरह के हालात और बयानात मुझे मिले मैं पहले ही तफसील से बयान कर चुका हूं और उन्हीं की बुनियाद पर मैं यकीन से कह सकता हूं कि कत्ल राजेश ने और सिर्फ राजेश ने ही किया। नहीं नहीं नहीं, मैं कातिल नहीं हूं जज साहब, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ ये एक साजिश है, घिनौनी साजिश। ये सच है जज साहब कि मरने से चंद लम्हे पहले तक मरहूम दीपक मेरे साथ मेरे ड्राइंग रूम में मौजूद था। मैं ड्रिंक्स ले रहा था और हमारी उसकी गुफ्तगू चल रही थी। यह भी सच है कि इसी गुफ्तगू के दौरान हमारे दरमियान तल्ख कलामी हुई, हमारी बहस हुई और फिर हाथापाई भी हुई। मुझे इस बात से भी इनकार नहीं कि मैं आरती से प्यार करता हूं। मैं इकरार करता हूं कि मैंने आरती के करीब आने की तमन्ना की और फिर कोशिश, क्योंकि जज साहब मैं आरती से बेहद मोहब्बत करता हूं, इसे अपना बना लेना चाहता था, इसे पा लेना चाहता था, इसके साथ शादी करके अपना घर बसा के अपनी वीरान जिंदगी को ठीक करना चाहता था, इसे जिंदगी के सारे सुख सारी खुशियां देना चाहता था, हर चीज इस पर न्योछावर करना चाहता था, अपनी जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदलना चाहता था जैसा। मगर मेरी नीयत में खोट नहीं था,
मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जज साहब की इस हादसे की वजह से आरती के करीब आने की बजाय मैं उससे और ज्यादा दूर हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता जज साहब की दीपक बालकनी से गिरा या गिराया गया, मेरा यकीन मानिए, यकीन मानिए जज साहब मेरा। वो इंसान जिसने कभी आज तक एक चींटी को नहीं मारा, वो एक जीते जागते जिंदा इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है? मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, गवाहों के बयानात, हालात और आर्गुमेंट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नशे और गुस्से की हालत में मुल्जम के हाथों मकतूल बालकनी से नीचे गिरा और मर गया, इसलिए अदालत दीपक के कत्ल में राजेश को कातिल करार देती है। और मिलॉर्ड, एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि सजा सुनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाए कि राजेश ने तन मन धन से समाज सेवा की है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है। ऐसे कत्ल पर मुल्जिम को दफा 304 ताजीरात हिंद के तहत 10 साल कैदे बा मुशक्कत की सजा होनी चाहिए, मगर मुल्जिम के साफ सुथरे रिकॉर्ड को देखते हुए दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत 5 साल की सजा दी जाती है। केस इज ओवर। बेटा घबराना नहीं, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, ये जेल की सलाखें तुम्हें ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकते। हजम का इलाज आरती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती मैम सर, अरे जमना तो अच्छा चलता। हाँ। क्या हुआ जी, क्या हुआ? होना क्या था? 5 साल की सजा? हे भगवान, 5 साल की सजा? बेकसूर को सजा हो गई क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेम साहब, ये कुछ जरूरी कागजात हैं जो सपना मेम साहब ने मुझे दिए थे। ओह माय गॉड, क्या हो गया आरती, क्या हो गया ये सब? मुझे अफसोस है आरती जी, ये लाने में मुझे जरा देरी हो गई। आप क्या होगा, तुम घबराओ मत। अब आरती जी, आप क्या असली कातिल की तलाश और इंतजार